कल मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। कल शाम को मेरे तहसील अध्यक्ष के घर में कुछ बदमाश घुस चुके थे। मैं उनकी कंप्लेंट करने के लिए थाने आया और हमने मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया था। उसके बाद मैं इंदौर मेरे घर निवास में निकलने वाला ही था कि रास्ते में पालिया रोड पर मुझे रोक के कुछ बदमाशों ने, करीब 30-40 बदमाशों ने मेरे ऊपर पथराव चालू कर दिया गाड़ी के ऊपर और फायरिंग की, हवा फायरिंग की। तो जैसे मैं बचते बचता बचा के दीपालपुर होते हुए मैं सावेर पहुँचा हूँ। मैं रात भर से घर भी नहीं पहुँच पाया हूँ इन लोगों के चक्कर में। सुबह हम लोगों ने प्लानिंग करी कि हम सावेर हाथों थाना घेरेंगे। रात को सावेर में मैं अपना आवेदन दे चुका था। आज पुलिस प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि 2 दिन के अंदर जिन जिन लोगों के मैंने नाम दर्ज रिपोर्ट लिखवाई है, क्योंकि वो सब लोगों चश्मदीद गवाहों में वो सब लोग वहीं उपस्थित थे, उनके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवाई है, उन सबको 2 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन अरेस्ट कर लेगी। अगर नहीं करती है तो एक पूरा उग्र आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि ये जो हमला हुआ है किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं हुआ है, एक पूरे संगठन के ऊपर हमला हुआ है और संगठन का जवाब सब संगठन देगा। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे प्रदेश संगठन मंत्री। आपके समाज के भी कई नाम हैं इसमें? जी, सामाजिक नाम भी है इसके अंदर। समाज के लोग अपने राजनीतिक वर्चस्व को डूबते हुए देखा उन्होंने, तो वही जो राजनीतिक देश भावना से उन्होंने निष्ठा की पराकाष्ठा को पार करते हुए आज मेरे ऊपर अटैक किया है। देखिए, लगातार प्रदेश में करणी सेना का जो आधार बनाया है, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोगों को दबाने का काम लगातार राजनेताओं द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में कुछ सामाजिक लोगों को साथ लेकर ये हमारे जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह जी के ऊपर, तहसील अध्यक्ष के ऊपर कल हमला किया गया, जिसकी हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। आज हम लोगों ने हाथों थाने का घेराव किया है। प्रशासन ने हमसे 2 दिन का समय मांगा है, वो समय हम लोगों ने उनको गिरफ्तारी के लिए दिया है। अगर 2 दिन में ये गिरफ्तारी नहीं करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उग्र आंदोलन हो, जैसा भी आंदोलन हो, सारे आंदोलन जिलाध्यक्ष समर्थन में करेंगे।